एक पंखा पूर्वजों के नाम अभियान के तहत 6 पंखे विभिन्न 6 विद्यालयों को वितरित किए गए। आपको बता दें कि एक पंखा पूर्वजों के नाम अभियान के तहत एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय नदावन में आयोजित एक कार्यक्रम में जितेंद्र पुरोहित विधायक प्रतिनिधि एवं बीआरसी संजय भदौरिया द्वारा सभी की उपस्थिति में संस्था प्रभारियों को पंखे वितरित किए गए। कार्यक्रम में 6 पंखे विभिन्न 6 विद्यालयों को वितरित किए गए। बताना चाहेंगे कि बीआरसी संजय भदौरिया ने कहा कि शिक्षा दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। अभियान संयोजक राजेश देव पांडे ने बताया कि एक पंखा पूर्वजों के नाम अभियान श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिवस 2 अक्टूबर तक निरंतर चलेगा। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की स्मृति में विद्यालयों को पंखा देना चाहते हैं वह श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिवस 2 अक्टूबर तक अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। आज कार्यक्रम में 6 पंखे दानदाताओं द्वारा विद्यालयों को दिए गए। EPS नदावन प्राथमिक विद्यालय, आज़ादपुर हाई स्कूल पिपरा प्राथमिक विद्यालय पोटा एवं माध्यमिक विद्यालय हरिजन चक को एक एक पंखा उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए दिया गया। पंखा पूर्वजों के नाम का कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ कार्यक्रम था और किस प्रकार की पहल की गई है? जी, वर्तमान में हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा हुआ है खनियादाना विकास खंड अंतर्गत, एक पंखा पूर्वजों के नाम। इसके तहत हमने जो अपेक्षा की है कि हमारे जो शासकीय विद्यालय हैं उन विद्यालयों में अगर कोई स्वैच्छिक रूप से दान देना चाहे तो उसका स्वागत है। और विशेष रूप से हमने इन जो अभियान का नाम दिया एक पंखा पूर्वजों के नाम, और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि जैसे ही हमने इस अभियान को समाज के बीच में लेके आए बहुत सारे दानदाताओं के सीधे हमारे पास संपर्क में फोन आ रहे हैं। और लेकिन इस जो विद्यालय में हम पंखे लगवा रहे हैं लेकिन उसको भी हम बहुत विधिमान तरीके से लगवा रहे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक विद्यांजलि पोर्टल होता है, शासकीय विद्यालयों के लिए विद्यांजलि पोर्टल है। हमने अपने समस्त शाला प्रभारियों को बोल रखा है कि आप पंखा के साथ साथ अगर अन्य भी कोई वस्तु आपको ऐसे लगती है कि आपके विद्यालय में इसकी आवश्यकता है तो उसे विद्यांजलि पोर्टल पर अपनी डिमांड डालें और हमें भी अवगत कराएं। और यहाँ से भामाशाहों की कमी नहीं है, संपर्क में लोग हमारे हैं और अपने पितरों के नाम, अपने पूर्वजों के नाम। ये मात्र 10 दिन का अभियान, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, अभी गणेश चतुर्थी जो पड़ती है चतुर्थी तिथि से लेकर के, और ये हम आपकी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक ही इसको हम चला रहे हैं। इस 10 दिन में आप देखिए पर्याप्त मात्रा में हमारे लिए ये जो पंखों की व्यवस्था है, आज ये नदावन में आसपास के क्षेत्र से लोगों ने इस अभियान से प्रेरित होकर 7 विद्यालयों के लिए पंखे दान किए, तो उनकी इच्छा थी कि सर यहाँ आए, उस क्रम में मैं यहाँ आया। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, लोगों में काफ़ी प्रसन्नता देखी गई, शिक्षकों में भी काफ़ी हर्ष का विषय देखा गया। और देखिए मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, इस अभियान में सक्रिय भागीदारी दानदाता के रूप में आप चाहे व्यापारी हो, पत्रकारों ने भी खनियादाना में हमें स्वीकृति मिली है। आप पत्रकार हैं, व्यापारी हैं, समाज सेवी हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी का इस अभियान में स्वागत है। समाज का काम है। धन्यवाद आप सभी।